नमस्कार। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा काफी बढ़िया जो इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा यानी इंटर पास वालों के लिए काफी बढ़िया यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिल रहा है, काफी अधिक मात्रा में 11,000 के आसपास वैकेंसी कुल है। यहाँ पर देखिए 11,098 के आसपास वैकेंसीज है जो कि आज ही बिहार एसएससी जो है अपने वेबसाइट पर उसको अपलोड किया है। देखिए बिहार एसएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका यहाँ पर आप लोगों को लिंक दिख रहा है, उसका जो यूआरएल है वो है bssc.bihar.gov.in। उसके आप सूचना पट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर आज के तारीख में 19/9 करके एक विज्ञापन है, 2/23 करके उसके अंदर दो लिंक है, ठीक है, जिसमें एक एडवर्टीजमेंट के बारे में है और एक डिटेल एडवर्टीजमेंट है। हम लोग दोनों यहाँ पर देखेंगे, इस वीडियो में पूरी तरह से जानेंगे कि ये जो नोटिफिकेशन बिहार एसएससी के द्वारा जो जारी किया गया वो उसमें क्या क्या पोस्ट है, टोटल कितना पोस्ट है, फी कितना लगेगा, एग्जाम कैसे होंगे, एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, सभी चीजों को डील करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो इम्पोर्टेंट नोटिस है उसको हम लोग यहाँ देख लेते हैं। इस इम्पोर्टेंट नोटिस में बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो द्वितीय यानी कि सेकेंड जो इंटर लेवल का जो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जो होगा वो होने वाला है, ठीक है। उसका फॉर्म फिलअप कब से होगा, उसका फॉर्म फिलअप का तारीख यहाँ दिया गया 27/9 से लेकर 11/1/23 के बीच में आयोग के वेबसाइट के थ्रू अभ्यर्थी भर पाएंगे। तो याद रखना 27 सितंबर से लेकर 11 नवंबर तक जो लोग है भर पाएंगे, काफी बड़ा समय दिया जा रहा है। तो अभी यहाँ पर इतना दिन पहले लोगों को सूचित किया गया कि आप अपना जो है फॉर्म फिलअप करने से पहले जो है वो अपना जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, चाहे प्रमाण पत्र हो गया आपका शैक्षणिक योग्यता का या तकनीकी का या कोई भी योग्यता का जो आपको प्रमाण पत्र जरूरत पड़ेगा, अंक पत्र या फिर कास्ट को लेकर, जैसे ओबीसी का हो गया, ईडब्ल्यूएस का हो गया, सीएसटी को लेकर हो गया, और भी कोई भी प्रमाण पत्र जो होगा उसको पहले से बनाकर तैयार रख लेंगे। फॉर्म भरने के दौरान आपको प्रमाण पत्र वहां पर सबमिट करना पड़ेगा, फॉर्म को वहां पर दिखाना पड़ेगा प्रमाण पत्र। तो यही इस एडवर्टीजमेंट में यहाँ पर बात कही गई है। अब चलिए हम लोग अब आते हैं इसका जो डिटेल एडवर्टीजमेंट है, डिटेल एडवर्टीजमेंट की और बढ़ते हैं, उसमें देखिए क्या कहा गया, सारी चीजें वहीं पर क्लियर होगी। तो पहला जैसा कि बताया गया ये बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बीएसएससी के द्वारा ये नोटिफिकेशन है बिहार के लिए और बिहार के आसपास जितने भी जो मैट्रिक ट्वेल्थ पास है उनके लिए काफी बढ़िया यहाँ वैकेंसी है, पोस्ट अभी बढ़िया है और काफी अधिक संख्या में है, बिहार सरकार अभी वैकेंसी दे रही है। तो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कब से होगा, तो 27 सितंबर से शुरू होगा और अंतिम जो तिथि है भरने का वो 11 नवंबर 2023 तक है। जितने भी यहाँ पद है सारे इंटर स्तरीय के पद है, चलिए पदों की संख्या के बारे में देख लेंगे हम लोग। सबसे पहला जो है निम्न वर्गीय लिपिक यानी कि जिसको बोलते हैं लोअर डिविजन क्लर्क पथ निर्माण में, ठीक है, पथ निर्माण विभाग वाला में लेवल 2 का ये है। इसमें क्या शैक्षणिक योग्यता चाहिए, इंटरमीडिएट या समकक्ष। अभी जितना भी हम लोग वैकेंसी देखेंगे ना, जितना भी पोस्ट देखेंगे सबका जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यानी कि लोएस्ट जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होगा वो इंटरमीडिएट यानी कि इंटर या फिर इसको ट्वेल्थ बोलते हैं, इंटर या ट्वेल्थ उसके इक्विवेलेंट भी चलेगा, ठीक है। साथ साथ एलडीसी के लिए कंप्यूटर पर ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर पर हिंदी में वर्ड प्रोसेसिंग का टंकन ये सब होना चाहिए, हिंदी में वर्ड प्रोसेसिंग और टंकन का जानकारी होना चाहिए, ठीक है। इसमें टोटल वैकेंसी 38 वैकेंसी है जिसमें से 13 महिलाओं का आरक्षण है, ठीक है, और जनरल कितना, जनरल 15 है, ठीक है। तो मैं सारा जो कैटेगरी वाइज जो है आरक्षण वार रिक्तियों का डिस्कशन नहीं करूंगा, सिर्फ कुल पद बता रहा हूँ, ठीक है, बाकी आप आरक्षण के अनुसार देख लेंगे खुद से। देखिए जो एलडीसी है, एलडीसी जो है मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, उसमें जो है वो कितना है 340 एलडीसी का पोस्ट है, उसमें भी सेम है, ठीक। उसमें भी क्या क्या योग्यता है, सबसे पहले तो आपका इंटर या उसके समकक्ष होना चाहिए, कंप्यूटर को चलाने जानना चाहिए, कंप्यूटर में टाइपिंग चाहिए और अंग्रेजी और हिंदी में टाइपिंग अनिवार्य है, ठीक है। लेकिन वहाँ जो एलडीसी जो पथ निर्माण विभाग था उसमें अनिवार्य टाइपिंग अनिवार्य नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो मद निषेध उत्पाद विभाग में टाइपिंग अनिवार्य है, सब लेवल 2 का भी है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अगेन एलडीसी टू जो है गृह विभाग में आरक्षित होम डिपार्टमेंट में, ठीक है, जिसमें अगेन इंटरमीडिएट मांगा गया है और कंप्यूटर संचालन माने कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, साथ साथ टाइपिंग वर्ड प्रोसेसिंग ये सब का जानकारी होना चाहिए। यहाँ पर 19 वैकेंसी है। उसके बाद अगेन एलडीसी 2 जो है गृह विभाग में आरक्षित शाखा विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अंतर्गत, उसमें भी वही इंटर पास होना चाहिए आप लोगों को, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए इसमें भी, इसमें कुल 10 वैकेंसीज है। उसके बाद अगेन जो एलडीसी है श्रम संसाधन विभाग में,
उसमें भी हिंदी ज्ञान का, हिंदी टंकन का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। उसमें टोटल 20 वैकेंसीज है। एलडीसी का अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में इंटरमीडिएट चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज भी चाहिए, एक वैकेंसी यहाँ टोटल, सॉरी 63 वैकेंसी, 63 वैकेंसीज है। और अगेन एलडीसी जो है पर्यावरण वन एवं जल वायु परिवर्तन विभाग में आपका 30 वैकेंसीज है। और जो एलडीसी अगेन जो ईडी वगैरह है प्रशिक्षण वगैरह, वहां पे 239 वैकेंसीज है, इसमें टाइपिंग का आवश्यकता है। उसके बाद और भी बहुत सारे वैकेंसीज बढ़िया। फिर अगेन एलडीसी अगेन आ गया श्रम आयुक्त, श्रम संचालन विभाग, संसाधन विभाग में यहाँ पर हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग चाहिए, साथ साथ एमएस विंडो, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट का भी जानकारी इसमें होना चाहिए। कुल 54 वैकेंसीज है इसमें। फलेरिया निरीक्षण के लिए आपको सिर्फ इंटर पास चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज नहीं चाहिए, इसमें 69 वैकेंसीज है। उसके बाद सहायक अनुदेशक, ठीक है, जो सहायक अनुदेशक जो है वो टंकन वाला, उसके लिए इंटरमीडिएट चाहिए और हिंदी और इंग्लिश में टंकन का जरूरत पड़े, कंप्यूटर का नॉलेज नहीं, टाइपिंग का नॉलेज चाहिए, इसमें 7 वैकेंसीज है इसके लिए। अगेन एलडीसी का जो नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय आपदा प्रबंधन विभाग में है, वहां पर कंप्यूटर का जरूरत पड़ेगा, इंटरमीडिएट तो आपको चाहिए ही, उसमें 41 वैकेंसी है। और सबसे ज्यादा वैकेंसी जो है राजस्व विभाग के अंतर्गत, जो राजस्व विभाग के अंतर्गत जो है उसके अंदर, जिसमें आपको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं चाहिए, सिर्फ 12th पास होना चाहिए, ये काफी लोग इसको डिमांडिंग है। इसमें 3559 है, ठीक है, 3559 वैकेंसीज है इसमें, काफी बढ़िया है। उसका अगेन पंचायत सचिव का, पंचायत सचिव का जो कि लेवल 3 का, अभी तक हमने वो लेवल 2 का देखा था, अब इसमें लेवल 3 यानी कि पे सैलरी बढ़ जाएगा आपका। इसमें भी इंटर चाहिए, ठीक है, इंटर चाहिए, इंटरमीडिएट चाहिए, इसमें आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और एमएस ऑफिस का भी ज्ञान होना चाहिए। इसमें भी काफी अच्छा वैकेंसी है, 3532 वैकेंसीज है टुल। उसके बाद एलडीसी, अगेन एलडीसी जो है पंचायती राज विभाग में, उसमें आपको इंटर चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, 504 है। उसके बाद अगेन एलडीसी आ गया खान यानी कि माइंस है और भूतत्व विभाग में, उसमें इसमें कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, टाइपिंग नहीं चाहिए, ठीक है, इसमें 58 वैकेंसी है। उसके अगेन एलडीसी का परिवहन विभाग में कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, 89 वैकेंसीज है। उसके निम्न लिपिक, ठीक है, निम्न वर्गीय लिपिक वही एलडीसी है, नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत, इसमें टाइपिंग का जरूरत नहीं है लेकिन कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, नॉलेज होना चाहिए। 2039 इसमें वैकेंसीज है, तो इसमें भी काफी अधिक वैकेंसी है। उसके अगेन जो एलडीसी का अगेन फिर आ गया आपका अलग विभाग में, उसमें 238 है। अब मैं मतलब फास्ट चल रहा हूँ, ठीक है। टंकक सह लिपिक, ये इसका जो वैकेंसी लेवल 4 का, ये भी काफी बढ़िया, पैसा इसमें ज्यादा मिलेगा, इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों का टाइपिंग चाहिए, इसमें कुल 4 वैकेंसीज है। उसके बाद अगेन एलडीसी आ गया पशु एवं मत्स्य विभाग में, इसमें टाइपिंग नहीं चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए, लेवल 2 का है, 12 वैकेंसीज है। और अगेन एलडीसी सहकारिता विभाग के अंतर्गत, टाइपिंग नहीं चाहिए, 133 वैकेंसीज है। तो कुल मिलाकर अगर एलडीसी को कंबाइन कर ले तो काफी ज्यादा एलडीसी का वैकेंसीज है और राजस्व विभाग और पंचायत सचिव का काफी बढ़िया वैकेंसीज है। तो बिहार के जितने भी 12th पास लोग हैं उनके लिए खुशखबरी है, बिहार और बिहार के आसपास सभी लोग भर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिहार के बाहर से हैं, ठीक है, बिहार के बाहर से, तो आपको आरक्षण का दावा नहीं कर सकते, आरक्षण का दावा जो वहाँ के निवासी है उनके द्वारा ही किया जाएगा। अब इसमें कौन लोग भर सकते हैं, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो व्यक्ति अगर इंटर पास है ना, इंटर पास कर चुका है तो, या फिर उसके समकक्ष है तो, और साथ साथ कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए जिसमें यहाँ बताया गया, तो वो लोग इसको भर सकते हैं। तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए, इंटर पास चाहिए और जो कंप्यूटर का यहाँ पर बात लिखा गया है उसके बारे में आप लोगों को जानकारी होना चाहिए, ठीक है। आरक्षण का दावा जो है बिहार अधिनियम 15/23/2013 के अनुसार होगा, आरक्षण का दावा उन्हीं को मिलेगा जो बिहार राज्य के निवासी है, ठीक है। और आवेदन करते समय आप लोगों को अपना आरक्षण कोटी ध्यान से डालना है, आपके पास सर्टिफिकेट है तभी डालिएगा, अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो नहीं डालना है। अगर आप फॉर्म को फिलअप कर दिए और सर्टिफिकेट शो नहीं कर पाए तो आपका जो जो योग्यता है, कैंडिडेचर है, वो रद्द कर दिया जाएगा, ये सब ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पर जो कैटेगरी वाइज फॉर्म के बारे में कुछ बात कहा गया है तो वो सब फिलहाल आप लोग को सबको पता होगा। अब देखिए उम्र की सीमा की बात कर रहे हैं, उम्र की सीमा कितने वर्ष का व्यक्ति होना चाहिए, न्यूनतम 18 वर्ष, यानी कि कोई व्यक्ति अगर 18 वर्ष का है तो आराम से 18 वर्ष, आप 12th पास करे हो तो 18 के आसपास होते ही होंगे, 18 आराम से होगा आपका, तो 18 वर्ष के हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका जो गणना, उम्र की गणना की जाएगी 1/8/2023 से की जाएगी गणना, ठीक है। और इसमें कुछ कुछ आपका जो अधिकतम उम्र की गणना है उसमें छूट भी है, काफी अधिक समय तक दिया गया है, जितने भी अनारक्षित यानी अनरिजर्व पुरुष है वो 37 वर्ष तक भर सकते हैं, काफी लंबा समय का अंतराल, 18 वर्ष से 37 वर्ष तक के लोग भर सकते हैं। उसी प्रकार से अनरिजर्व यानी कि जनरल वाले महिलाएं जो है
वो 40 वर्ष तक भर सकती है। उसके बाद जो ओबीसी है पिछड़ा वर्ग में दोनों, जो OBC 1 OBC 2, उसके पुरुष महिला दोनों 40 वर्ष तक भर सकते हैं, और जो SC ST की जो महिला पुरुष है वो 42 वर्ष तक भर सकती हैं। तो ये था न्यूनतम उम्र और अधिकतम उम्र के बारे में, और शैक्षणिक योग्यता के बारे में भी मैंने चर्चा कर लिया। अब देखिए परीक्षा शुल्क कितना लगेगा, परीक्षा कैसा देना पड़ेगा। जितने भी सामान्य वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, यानी कि OBC और जनरल है, उनके पुरुष अभ्यर्थी को 540 रुपया फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। अगर बिहार के बाहर के भी हैं तब भी आपको 540, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं मायने नहीं रखता, क्योंकि आपको बिहार का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जनरल में ही फाइट करोगे, 540 रुपया लगेगा आपको। अगर आप SC ST हैं, बिहार के स्थायी निवासी, तो 135 रुपया लगेगा। और सभी श्रेणी के जो अनुसूचित दिव्यांग है, ठीक है, दिव्यांग है, उनको भी 135 रुपया ही लगेगा। और जितने भी सभी श्रेणी के महिलाएं हैं जो बिहार राज्य के हैं, उनको भी 135 रुपया लगेगा, ठीक है। उसके बाद बिहार राज्य के बाहर के जितने भी अभ्यर्थी है उनको 540 रुपया लगेगा। तो 540 रुपया किसको किसको लगेगा, बिहार में रहने वाले जितने भी अनरिजर्व है, OBCs है, ठीक है, उनको लगेगा, और बाहर के हैं उनको 540 लगेगा। बाकी जो बिहार के अंदर जो SC ST हैं, महिला हैं, दिव्यांग है, उसको 135 रुपया लगेगा। उम्मीद है आपको परीक्षा शुल्क को लेकर चीज क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और परीक्षा शुल्क में कुछ कुछ प्रोसेसिंग या सर्विस टैक्स भी लगेगा, तो 540 ही नहीं लगेगा, कुछ 10-20 रुपया एक्स्ट्रा भी आपको हो सकता है पे करना पड़ेगा, ठीक है। और ऑनलाइन प्रक्रिया पता है आप लोगों को, 27 सितंबर शुरू होगा, और आपको जो पेमेंट जो है वो आप 9-11 तक जमा कर सकेंगे। पेमेंट का जो प्रक्रिया है 9 तक ही रहेगा, तो आप लोग 11 नवंबर मान के नहीं चलेंगे, 11 नवंबर तो लास्ट चीज फाइनल डील करने का डेट है, लेकिन 9 नवंबर तक ही, 9 नवंबर तक ध्यान देना, 9 नवंबर तक ही आप लोग को पेमेंट करना है। अब देखिए परीक्षा कैसा होगा, तो परीक्षा जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग का जो परीक्षा संचालन नियमावली 2010 है, उसके अनुसार ये कहा गया कि अगर परीक्षा में जो आवेदन जो है, इस जो परीक्षा दिया गया, ऑफकोर्स 40,000 ज्यादा ही आएगा, क्योंकि 11,000 वैकेंसीज है और बेरोजगारी बिहार और उसके आसपास के राज्यों में काफी अधिक है, तो काफी अधिक में वैकेंसी आएगा ही। तो उसके बाद है PT के बाद मेंस होगा ही होगा। तो इसमें यह कहा गया है कि अगर 40,000 से अधिक अगर आवेदन प्राप्त होगा ना, तब प्रारंभिक प्रतियोगिता जो परीक्षा है वो बहुत अधिक सारे जो जो चरण है उसमें किया जाएगा, एक दो चरण में किया जाएगा, और मेंस वगैरह भी लिया जाएगा। तो यहाँ यही बात किया गया है, तो मेंस होगा ही और अधिक चरण में होगा ही, ठीक है। अब देखिए क्या है कि परीक्षा का जो प्रारंभिक PT परीक्षा होगा, उसके बाद मेंस परीक्षा होगा। PT पास करने के बाद 5 गुना बुलाया जाएगा मेंस के लिए, ठीक है, 5 गुना मेंस के लिए बुलाया जाएगा। पीटी में क्या क्या होगा, पीटी में एक पेपर है, ठीक है, एक पेपर में 150 क्वेश्चन रहेगा, एक पेपर में 150 क्वेश्चन रहेगा। आपको हर क्वेश्चन 2 मार्क्स, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा, तो कुल 600 मार्क्स का आपका PT होगा, ठीक है। 150 क्वेश्चन आपको बनाना है, 2 घंटा 15 मिनट बनाना है। अगर आप सही किए तो 4 मार्क्स मिलेगा, और गलत किए तो 1 मार्क्स घट जाएगा। क्या क्या पूछा जाएगा, तो PT में आपसे सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडी पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान एवं गणित पूछा जाएगा, और मानसिक क्षमता जांच यानी कि कह सकते हैं GK GS मैथ कंप्यूटर साइंस और रीजनिंग, ये सब पूछा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सिलेबस क्या है, देखिए सिलेबस या सिलेबस क्या है, सिलेबस यहाँ पर सामान्य अध्ययन में जितने भी आपके आसपास से हो रही घटना है वो सब, जैसे कि आप लोग को पता है जो भी व्यक्ति फॉर्म भरता है आपको पता होगा GS में क्या पूछते हैं, लेकिन अगर नए नए बच्चे हैं तो उनके लिए बता दूं कि GS में जितने भी GK हिस्ट्री सिविक्स पॉलिटी इकोनॉमिक्स सभी चीजों से पूछा जाता है, बिहार से संबंधित, भारत के उसके आसपास से संबंधित जो देश है उनसे भी कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद करंट अफेयर्स में भी हो रहे जितने भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, भारतीय भाषा है, पुस्तक है, लिपि है, राजधानी है, मुद्रा है, खेल खिलाड़ी, ये सबसे भी करंट अफेयर में पूछते हैं। उसके बाद भारत और पड़ोसी देश का इतिहास, भूगोल, संस्कृति, ये सब पूछा जाता है। तो आप अगर तैयारी करेंगे तो आपको जो टीचर है वो सिलेबस के बारे में डिटेल से बता ही देंगे। अब देखिए सामान्य जो विज्ञान और गणित है उसमें मैट्रिक स्तर पर, आप 10th स्तर पे जो आप साइंस पढ़े थे, जो मैथ पढ़े थे, वही पूछेंगे, ठीक है, 10th स्तर पर, मैट्रिक स्तर पर, ठीक है। सामान्य विज्ञान में वही फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, जो ज्योग्राफी हो गया। उसके मैथ में, गणित में आपका वही जो नंबर सिस्टम हो गया, इसको संख्या पद्धति बोलते हैं, पूर्ण संख्या, होल नंबर्स हो गया, दशमलव, डेसिमल, फ्रैक्शन, संख्याओं के बीच में संबंध, और जो गणित संक्रिय है, प्रतिशत, अनुपात, रेशियो, एवरेज, इंटरेस्ट, ये सबसे प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पर जो मेंशन किया गया मैथ में उस वही पूछा जाएगा, उससे एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना आपको, इसको सिलेबस को देख के इसी के अनुसार तैयार करना, आराम से आप
काफी अच्छे मार्क्स लगा। उसका देखो रीजनिंग में क्या पूछा जाएगा, रीजनिंग में जो वर्बल है नॉन वर्बल दोनों तरह के रीजनिंग पूछे जाते हैं। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, सदृश्य, समानता, भिन्नता, स्थान, कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारण, अंक गणितीय, तर्कशास्त्र, तर्कशक्ति, अंक गणितीय की संख्या, श्रृंखला, कूट लेखन, कूट वाक्य, ये सब पूछा जाएगा। अब देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है, अगर पीटी में कितना लाओगे तब मेंस के लिए क्वालिफाई करोगे, जनरल वालों के लिए 40%। यही मान के नहीं बैठना है कि आपको 40% है तो 600 का 40% 240 ले आएंगे पास हो जाएंगे, नहीं, आपको अधिक से अधिक मार्क्स लाना है ताकि आप मेरिट लिस्ट में जाओ और आप एक अपना पोस्ट लो। तो 40% टारगेट नहीं रखना, टारगेट रखना 600 में कम से कम 500 के आसपास, 400 से 500 के आसपास अगर आएगा आपका तो काफी बढ़िया रहेगा और आपका तैयारी बढ़िया होगा तो मेंस में भी अच्छा करोगे। और मेंस के बारे में, मेंस का डिटेल चीज है, जब ये पीटी हो जाएगा तो मेंस में उसके बारे में आपको सूचित किया जाएगा, ठीक है। तो मेंस में भी लगभग इसी तरह से पेपर आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है, मार्क्स बढ़ जाएगा और यही सब चीज में ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे फिर से मैं बता रहा हूँ कि ऑनलाइन प्रक्रिया आरंभ कब से होगी, 27 सितंबर से आरंभ होगी और 11 नवंबर तक चलेगा। जितना भी आपके आस पास में 12th पास स्टूडेंट है और जो 18 से ऊपर है और फॉर्म भरना चाहते हैं बिहार, बिहार और बिहार के आसपास के राज्यों में अगर जॉब करना चाहते हैं तो आप उनको ये जो वीडियो है फॉरवर्ड करके उनको ये जानकारी दें, ठीक है, कि फॉर्म भरना शुरू हो गया, काफी बढ़िया मौका है, इसमें 11,000 के आसपास वैकेंसीज है, ठीक है। और इसमें एक चीज और, अगर आप फॉर्म भरेंगे ना उसमें आपको लाइव फोटो वेबकैम खींच कर अपलोड करना, लाइव आपका वेबकैम उसी समय खुलेगा और उसी समय फोटो आपका डायरेक्ट लिया जाएगा, अपलोड किया जाएगा। और भी चीज जो है वो फॉर्म फिलअप करने का टाइम जो वेबसाइट खुलेगा लिंक वहां पर आपको दिया जाएगा, ठीक है। और भी चीजें हैं, आपको बहुत सारा चीज पेमेंट वगैरह करना पड़ेगा, वो जानकारी होगा ही, अगर नहीं जानकारी होगा तो आप कमेंट में लिखकर बताइएगा, उसका भी मैं डिटेल डाल दूंगा। अगर आपको फॉर्म फिलअप करने के टाइम कोई परेशानी होगा तब आप बताइएगा, मैं सहायता करूंगा। उसके अलावा भी अगर आपको कोई भी चीज जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और बिहार से जुड़ा हुआ जितना भी करंट अफेयर नहीं, फिलहाल तो करंट अफेयर मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, जितना बिहार से जुड़ा हुआ जितना भी हिस्ट्री सिक्स जो है यानी कि जीएस पेपर है उसमें कुछ कुछ चीजें मैंने अपलोड करके रखा हुआ हुआ, आप उसको भी देखकर बिहार से स्पेसिफिक चीजों को तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।